हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड अंकल। तो आज हम शुरू कर रहे हैं रिवीजन समरी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर आईआईटी जेम केमिस्ट्री 2021 नेक्स्ट ईयर के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना ब्रीफ इंट्रो दे देता हूं। मेरा नाम यादराम धानका है। आई हैव कम्प्लीटेड माई मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम आईएससी बैंगलोर। और इस बार आईआईटी जेम केमिस्ट्री का एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रहा है? आईएससी बैंगलोर। तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज हैं एग्जाम में, क्योंकि मुझे पता है मैं वहाँ पे 3 साल रह चुका हूँ, वहाँ के प्रोफेसर किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आज हम शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे सिलेबस में, और ये हर साल कुछ 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चंस इनमें से आते ही आते हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो आज के सेशन में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आज पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम वीबीटी भी बोलते हैं। इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है इसमें? इसमें है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और दूसरा है मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस में एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम 2 होते हैं, 1 to 2 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं, और एक्सपेक्टेड हो गए इसमें मार्क्स 2 to 4। डिफिकल्टी लेवल होता है इजी टू मॉडरेट, लाइक ज़्यादा इजी क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं और मॉडरेट लेवल के आते हैं। सेम सिचुएशन विद मैग्नेटिक मोमेंट, 1 to 2 क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड मार्क्स 2 to 4, और इजी टू मॉडरेट क्या होता है? डिफिकल्टी लेवल होता है। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है डी ब्लॉक केमिस्ट्री, सेकंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री। तो डी ब्लॉक की जितनी भी केमिस्ट्री है हम वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो डी ब्लॉक केमिस्ट्री में क्या है, इसका जो जनरल आउटर मोस्ट रिलक्टेंट कॉन्फिगरेशन है वो किस तरह से लिखते हैं? N-1d(1 to 10) (Ns1)2। ठीक है, यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ पीरियड के एलिमेंट्स कौन से पीरियड में आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ पीरियड स्कैंडियम में 4d पीरियड में आता है, तो n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, 4-1 3d, और ये 4s, तो ये आ गए 3d सीरीज, 4d सीरीज और 5d सीरीज। तो ये आपको एलिमेंट्स है याद रखने हैं, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम है, क्रोमियम, मैंगनीज, आयन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो इनके बहुत सारे मिनोमिक फॉर्म्स होते हैं याद करने की। कैसे? तो मैंने कैसे याद किए हुए हैं? मैंने याद किए हुए हैं शक, टीवी, कर, मन, फिकोनी, कुजन। शक, टीवी, कर, मन, फिकोनी, कुजन। आप अपनी मिनोमिक फॉर्म्स बना सकते हैं और इनको याद रख सकते हैं। जैसे 40 सीरीज मैंने याद की है, यारी, जरा, निभा, मौत, तक, रू, रा, पड़े, आग में कूचा। और 5D सीरीज है ला, हफ्ता, डब्लू, रे, उससे, इधर, पिटाई और होगी। तो जब भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए आपको फटाफट ये सीरीज लिख लेनी है, तीनों 3D, 4D और 5D, और हमें पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट के नीचे कौन सा एलिमेंट आ रहा है। जैसे निकल के नीचे है प्लेडियम और प्लेटिनियम, तो प्लेडियम हो गया 4D सीरीज का और प्लेटिनियम हो गया 5D सीरीज का। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम रिविजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको छोटी छोटी चीजें अवॉइड करूंगा बताने के लिए, क्योंकि हम फटाफट से क्विक रिविजन देख रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आयन इज एन आयन इन विच ए मेटल कैटायन इज अटैच्ड टू लिगेंड्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। कि कॉम्प्लेक्स आयन एक ऐसा आयन होता है जिसमें मेटल कैटायन जो है वो अटैच्ड होता है लिगेंड से बाय वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। जैसे लिगेंड है, लिगेंड के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है मेटल कैटायन को। तो इस तरह के बॉन्ड्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। और जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनमें क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं वो एक ही एलिमेंट के होते हैं। ठीक है, तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाते हैं मेटल कैटायन को, ऐसे बॉन्ड्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है, और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमें दिया हुआ है, इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो कोबाल्ट है ये एक सेंट्रल मेटल कैटायन है, अमोनिया है लिगेंड है, और ये जो 6 है ये कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका, और ये क्लोरीन है ये काउंटर आयन है। ठीक है, नाउ हमारे जो सिलेबस में है देर आर 3 थ्योरीज टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस।
ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दूसरी एक्सिस्टर फील्ड थ्योरी, तीसरी लिगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज हम देख रहे हैं ओनली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। अब देखिए लिगेंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जैसे लिगेंड यहाँ पे अमोनिया था, तो जनरली लिगेंड्स हमने दो तरह दो पार्ट्स में डिवाइड किए, एक है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और सेकेंड है वीक फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की खास बात ये होती है कि दे हैव टेंडेंसी टू पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, उनको पेयरिंग करा देगा। और वीक फील्ड लिगेंड्स क्या करते हैं, दे डोंट हैव टेंडेंसी टू पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको ये सर कि पता कैसे चलेगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वीक फील्ड लिगेंड है, तो मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, बाद में हम इनको अच्छे से देखेंगे जब हम सीएफटी पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि हेलोजन और ऑक्सीजन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, यानी हेलोजन और जो ऑक्सीजन से बॉन्डिंग हो रही है वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन से जो बॉन्डिंग होती है वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जैसे कार्बन से क्या है, जैसे कार्बन CO CN- ये क्या है, कार्बन की तरफ से बॉन्डिंग हो रही है, कार्बन मेटल एटम है, सॉरी कार्बन एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गए। इसी तरह से डाइथाइलामाइन या अमोनिया ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है। और जो ऑक्सीजन जैसे H2O हो गया ये वीक फील्ड लिगेंड है, हेलोजन हो गया, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, ये सारे क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है फ्रॉम हेलोजन टू कार्बन, ठीक है। अब देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोऑर्डिनेशन नंबर को मैंने दो भागों में डिवाइड किया, एक है 6 दूसरा है 4। तो जब भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 या फिर d2sp3। और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या होगा, ज्योमेट्री होगी दो तरह की, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। अगर टेट्राहेड्रल है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, और स्क्वायर प्लेनर है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा dsp2, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 3d सीरीज लिखी हुई है, 3d सीरीज के सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी है। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर हमें याद होना चाहिए 21 होता है, तो 21 से D1 हो जाएगा, ये 3D1 4S2। अब देखिए इसमें सभी एलिमेंट्स में 4S2 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 सारे इलेक्ट्रॉन्स 4S2 है, बट क्रोमियम और कॉपर में डिफरेंट केसेस है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इनमें 4S1 और क्रोमियम में और कॉपर में 4S1 और 4S1 है, बाकी सभी में 4S2 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 है, ठीक है। स्कैंडियम प्लैटिनम वैनेडियम में देखो 21 एटॉमिक नंबर है तो D1, ये देखो ये 1 है ये 2 है, इसी तरह से D2 के D इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं, ये 3 है तो ये D3, मैंने बताया क्रोमियम और कॉपर में थोड़ा डिफरेंट केस है तो आपको याद रखना है, 4 है तो यहाँ पे 3D5 आ जाएगा D2, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, 5 है तो 5 आ जाएगा, 6 है तो 3D6, ऐसे 27 है तो 3D7, 28 है तो 3D8, 29 कॉपर का डिफरेंट केस है तो 3D10 4S1, और 30 है जिंक का तो 3D10 4S2। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए ग्राउंड स्टेट वाली, ठीक है। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, इनमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब है कि जो 6 लिगेंड्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं मेटल एटम को, ठीक है। तो मैं इसको Ml6b जनरलाइज कर सकता हूँ, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम हेक्सामिन क्रोमियम का। तो स्टेप 1 जो है इनको ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का, ये होता है कि सबसे पहले आप देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। स्टेप 2 है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, और स्टेप 3 है मेटल आयन की कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो स्टेप 1 है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने देखा कि 6 अमोनिया मॉलिक्यूल, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। अब अमोनिया क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो जिस एलिमेंट्स की हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको हम x मानते हैं, अमोनिया न्यूट्रल हो गया, और कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज है, +3। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3। क्रोमियम ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, मैंने बताया डिफरेंट केस है, 24 एटॉमिक नंबर, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी, 3D5 4S1, ठीक है। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो एक एस का इलेक्ट्रॉन और दो डी के इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 3D3, तो 3D4S और 4P। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1, 2 और 3, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखिए अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है +3 में,
तो ये क्या होगा, पेयर अप करवा देगा। बट इस केस में इलेक्ट्रॉन पेयर अप होने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑलरेडी मिल गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी टू एस पी थ्री, तो दो डी के ऑर्बिटल्स, एक एस के ऑर्बिटल और तीन पी के ऑर्बिटल मिक्सिंग करके डी टू एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। ऐसे ही सारे सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में सिक्स अमोनिया मॉलिक्यूल्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पेयर अप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि हमें दो डी के ऑर्बिटल्स ऑलरेडी मिल गए, तो ये डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आ जाएगी, क्रोमियम है और सिक्स अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं और ऊपर क्या है, प्लस थ्री चार्ज, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, वन टू थ्री, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए थ्री। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि इनर डी ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन जो है इसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये, क्यों, क्योंकि इनर डी थ्री डी ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के फॉर्मेशन में। अब मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट एन इंटू एन प्लस टू। एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थ्री, तो थ्री इसमें पुट करेंगे तो थ्री इंटू थ्री प्लस टू क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.9 बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन क्या है, एक मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट है, ठीक है, तो 3.9 बोर मैग्नेट्रॉन आ गया। तो सबसे पहले हमें स्टेप वन क्या है, फॉलो करना है कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, स्टेप टू ऑक्सीडाइज स्टेट ऑफ मेटल निकालो, मेटल आयन की कॉन्फिग्रेशन निकाल लो, और फिर देखो कि पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करो उसका। अगर पैरामैग्नेटिक है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये सब चीजें हमें देखनी है, ठीक है। अब सेकेंड है सी ओ एफ सिक्स थ्री माइनस, तो स्टेप वन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है सिक्स, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, हम निकालेंगे ऑक्सीडाइज स्टेट ऑफ मेटल कैटायन। ऑक्सीडाइज स्टेट ऑफ मेटल कैटायन कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस सिक्स, माइनस सिक्स क्यों, क्योंकि फ्लोरिन क्या है, माइनस वन चार्ज होता है, तो सिक्स फ्लोरिन पे माइनस सिक्स चार्ज हो गया। तो एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू, पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, थ्री माइनस, ये माइनस थ्री, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया प्लस थ्री, ठीक है। ऑक्सीडाइज स्टेट ऑफ मेटल आ गई, कोबाल्ट ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, 27 एटॉमिक नंबर है, 3d7 4s2, ऑक्सीडाइज स्टेट क्या है क्रोम कोबाल्ट की, प्लस थ्री, तो प्लस थ्री है तो तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो दो तो 4s रिमूव हो गए और एक डी से रिमूव हो गया, तो क्या आ गई इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 3d6, तो ये 3d ये 4s है, ये 4p और ये 4d, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखना है कि लिगेंड क्या है, लिगेंड क्या है, फ्लोरिन कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड डोंट हैव टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, ठीक है। तो ये एक एस तीन पी और दो डी ऑर्बिटल मिक्सिंग करके एस पी थ्री टू टू हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में फ्लोरिन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और एस पी थ्री टू टू हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब देखिए ये कैसा है, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्यों, क्योंकि जो बाहर वाले आउटर डी ऑर्बिटल्स है वो हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहे हैं, आउटर डी ऑर्बिटल्स। तो आपको याद रखना है जब भी एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन हो तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जब भी डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन हो तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वन टू थ्री फोर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए फोर, तो इसलिए क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, फोर इसमें पुट करेंगे, फोर इंटू फोर प्लस टू क्या हो जाएगा, 4.9 बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है, सिंपल सा था ये। तो आगे देखते हैं, थर्ड एग्जांपल है MnCN6 3 माइनस। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सिक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स देखते हैं हम समझ जाएंगे कि ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। फिर निकालेंगे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैटायन, तो साइनाइड पे क्या होता है, एक माइनस वन चार्ज होता है, तो एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस थ्री। तो मैगनीज है, 25 एटॉमिक नंबर है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 3d5 4s2, अब प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो दो तो इलेक्ट्रॉन 4s2 से रिमूव हो गए और एक इलेक्ट्रॉन d से रिमूव हो गया, तो क्या आ गई, 3d4 कॉन्फ़िगरेशन आ गई, ठीक है। तो ये 3d 4s और ये 4p, तो 3d 4s 4p, d में कितने इलेक्ट्रॉन है, फोर इलेक्ट्रॉन है, तो फोर इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिया। अब देखेंगे कि लिगेंड कैसा है, साइनाइड एंड कैसे लिगेंड है, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की खास बात क्या होती है कि वो पेयर अप करा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को ये पेयर कराएगा
तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर ऑफ होके आ गया। ठीक है, अब आपको कहोगे सर ये क्यों नहीं पेयर हुआ, ये हमें रिक्वायरमेंट है ही नहीं इस ऑर्बिटल की, हमें तो सिर्फ दो ऑर्बिटल्स वैकेंट चाहिए, तो एक ऑर्बिटल तो पहले से वैकेंट था और एक ये हो गया। तो ये D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। इसमें ये इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करवाना आप लोगों को, कहीं आप ये भी पेयर करवा दो फिर तो ये डायमंड ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि हमें दो ही डी ऑर्बिटल चाहिए, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन को रिक्वायरमेंट है पेयर अप करवाने की। ठीक है, D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। अब देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, टू, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू है, तो ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो गया, और जब मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो इसका आएगा 2.8 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, सिंपल सा था ये भी। अब नोट, ऑल दो H2 इज ए वीक लिगेंड बट इट एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड विद CO3+ आयन। CO3+ यानी कोबाल्ट 3+ आयन के साथ जो H2 है, जो कि हम वीक फील्ड लिगेंड की तरह कंसीडर करते हैं इसको, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है CO3+ आयन के साथ में। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, तो हमें एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है CO2H6+3+। H2 क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। चलो ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे कोबाल्ट की, कोऑर्डिनेट कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट आ गई, क्योंकि H2 एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये X=+3 आ गया। कोबाल्ट की ग्राउंड स्टेट है 27, तो 3d7 4s2+3 है, तो दो और दो इलेक्ट्रॉन एस के निकल गए और एक इलेक्ट्रॉन डी का निकल गया, तो ये 3d6 आ गया। ठीक है, 3d6, ये 3d 4s और 4p। ठीक है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखेंगे कि लीगेंड केस है, लीगेंड तो H2O है, वीक फील्ड लीगेंड होता है, बट अभी मैंने बताया था कि H2O CO3+ आयन के साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की तरह एक्ट करता है, तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की तरह एक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करवा देगा, ये यहाँ और ये यहाँ, तो 3d के सारे पेयर अप हो गए। ठीक है, और हमें दो ऑर्बिटल्स ये वैकेंट मिल गए, तो ये SD2SP3 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन हो गया और एक के इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। ठीक है, इन 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में फिर जो H2 है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ऐसे सभी ऑर्बिटल्स में हो जाएगा, तो ये D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब देखिए अगर हम इसमें पेयरिंग नहीं करवाते तो ये एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो जाता, जो कि गलत है एक्सपेरिमेंटली, ये एक डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है और D2SP3 ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है। ठीक है, अब देखिए IIT एग्जाम 2017 में क्या क्वेश्चन आया, एनएटी में ये क्वेश्चन था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन K2NiF6 इज, तो जब भी ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स दिया हो हम इसको डिसोसिएट कर लेंगे। डिसोसिएट कैसे, कि कैटायन अलग हो जाएगा और एनायन अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2K+ और 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, तो NiF6 2- हो जाएगा, ये तो NiF6 2- हमें कॉम्प्लेक्स मिल गया। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखा 6 है, ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे X-6=-2, X=-2+6=+4 आ गया, तो ऑक्सीजन स्टेट आ गई +4। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, 3d8 4s2+4, ऑक्सीजन स्टेट में क्या हो जाएगा, ये 3d6। ठीक है, निकल के पे क्या है, +4 ऑक्सीजन स्टेट है। तो फ्लोरीन क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, बट इस केस में पेयरिंग होगी। कैसे होगी, कि निकल पे +4 चार्ज होने के कारण इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवा देता है टू लीड टू स्टेबिलिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सब चारों इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, तो हमें क्या हो गया, ये D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, तो D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन हो गया। तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फ्लोरिन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स है, आप कुछ और मत समझ लेना। ठीक है, तो ये नापे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 0, हेंस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 0। तो ये एनएटी में क्वेश्चन था आईआईटी 2017 में, और हमें 0 पुट करना था। ठीक है, आप देखिए टंगस्टन है, कॉम्प्लेक्स दिया हुआ टंगस्टन और कार्बन मोनोक्साइड, 6 कार्बन मोनोक्साइड के लिगेंड्स है। ठीक है, X=2 क्या आ गया, 0, क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोक्साइड तो न्यूट्रल लिगेंड है और कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज दिया नहीं हुआ, तो ऑक्सीजन स्टेट में मेटल क्या होगी, X=0। अब देखिए इसकी जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन होती है टंगस्टन की, हुआ है 5d4 6s2। अब हमें पता होना चाहिए कि टंगस्टन कौन से एलिमेंट के नीचे है, तो ये आता है क्रोमियम,
मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। तो क्रोमियम के नीचे आता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ हो जाए ऐसी हो जाएगी एन माइनस वन डी फाइव और एन एस वन। तो एन क्या है, सिक्स पीरियड्स में है, तो ये सिक्स माइनस वन क्या हो जाएगा, फाइव डी फाइव सिक्स एस वन। लेकिन टंगस्टन के केस में क्या है कि ये जो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की कॉन्फ़िगरेशन है ये इसमें वर्क नहीं करती है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी फाइव डी फोर सिक्स एस टू। ठीक है, ये सिर्फ क्रोमियम और मोलिब्डेनम में ही होता है के एन माइनस वन डी फाइव एन एस वन, बट टंगस्टन के केस में ये फाइव डी फोर सिक्स एस टू हो जाएगा। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे फाइव डी सिक्स एस और ये हो जाएगा सिक्स पी। 5d में कितने इलेक्ट्रॉन है, फोर इलेक्ट्रॉन्स है, और 6s में कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए CO क्या है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या करते हैं, पेयरिंग करवाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर होगा, ये यहाँ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो ये तीन ऑर्बिटल्स है, तीन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए डी टू, क्योंकि CO जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, अब हमें कितने चाहिए थे, दो डी के ऑर्बिटल्स, एक एस के ऑर्बिटल और तीन पी के ऑर्बिटल। तो इसमें हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, डी टू एस पी थ्री, और एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। इन सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में फिर सीओ अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो जाएगी, तो एक ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स हो गया। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बताओ इस कॉम्प्लेक्स में ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, अगर हम इसमें पेयरिंग नहीं करवाएंगे तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन रहेंगे, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट इस केस में ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। क्यों, क्योंकि देर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एन इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो है, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट भी इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गेट में और आईआईटी जेम में पूछा जा चुका है ये। ठीक है, तो आपको ये सोल्व करना है अच्छे से। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स की बात होगी, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर फोर की। कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में क्या है, दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन होता है एसपी थ्री, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में होता है डीएसपी टू हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले हम देखते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, फोर। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो सिंपल ज्योमेट्री होती है वो एमएल, अगर हम बात करें एमएल फोर कॉम्प्लेक्स की, तो इसमें क्या होता है कि सारे लिगेंड्स की बॉन्ड लेंथ सेम होती है एक रेगुलर टेट्राहेड्रल की, और डेफिनेट एंगल होता है सारे एंगल्स में 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है, तो पहला एग्जांपल लेते हैं निकल सीओ फोर का। तो सीओ क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो निकल पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो निकल की ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, थ्री डी एट फोर एस टू, और एक्स इज इक्वल टू जीरो है, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो रहा है, तो हम इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखेंगे थ्री डी 4s 4p। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए, और 4s में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए CO कैसा लिगेंड है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मैंने बताया था कार्बन से जितनी भी बॉन्डिंग होती है वो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे कार्बन से बॉन्डिंग हो रही है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो गया, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था ये इस ऑर्बिटल में पेयर हो गया। ठीक है, अब देखिए डी के तो सारे ऑर्बिटल फुलफिल हो गए, एक भी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, तो एक एस ये जो वैकेंट होगा, और ये तीन पी मिक्सिंग करके एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन हो गया। एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन होके ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। ठीक है, सीओ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें जीरो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होने के कारण ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया, डायमैग्नेटिक, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया इसका, जीरो। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल है NiCl4 टू माइनस। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, फोर। तो फोर में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो टेट्राहेड्रल होगा या फिर स्क्वायर प्लेनर होगा। टेट्राहेड्रल कब होगा, स्क्वायर प्लेनर कब होगा, यह बताएगा हमें हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। ठीक है, ठीक है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, क्लोरीन पे क्या होता है, माइनस वन चार्ज होता है, तो एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस टू। तो निकल में 28 ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, 3d8 4s2, प्लस टू में क्या हो जाएगा, एस के दोनों ऑर्बिटल सॉरी दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तो ये 3d8 हो जाएगा। ठीक है, तो 3d8 4s और 4p, क्योंकि 4s तो पूरा खाली हो गया। अब देखिए क्लोरीन क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, अब वीक फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, पेयरिंग करवाते नहीं है, पेयरिंग नहीं होगी तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा यहाँ पे,
तो ये एक एस का ऑर्बिटल और तीन पी के ऑर्बिटल मिक्सिंग करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसमें। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया, टेट्राहेड्रल। अब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, वन और टू। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा इसका, 2.8 बोर मैग्नेटॉन हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन वन है तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 1.7। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन टू है तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 2.8। थ्री है तो 3.9, फोर है तो 4.9, और फाइव है तो 5.9, ठीक है। एक सिंपल मेथड याद करने का, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन टू है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, 2.8 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है, सिंपल था ये तो। अब देखिए, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट हमें दिया हुआ है K2Cr2O7, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ दिया हो डिसोसिएट कर लेंगे, 2K+ प्लस Cr2O7 टू माइनस, डिसोसिएट हो गई, कॉम्प्लेक्स आ गया हमारे पास Cr2O7 टू माइनस, ठीक है। अब इसके ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे, तो दो क्रोमियम मेटल है तो 2x सेलेक्ट कर लिया मैंने। ऑक्सीजन कितने डोनेट करता है, सॉरी ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, तो 7 ऑक्सीजन पे कितना हो गया, -14, और पूरा कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, -2, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, +12, और x इज इक्वल टू आ गया +6। तो ऑक्सीजन से स्टेट आगे क्रोमियम की वो है +6 हो गई, ठीक है। क्रोमियम 24 है, 3d5 4s1 हमें पता है, हाफ फिल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होती है। अब क्रोमियम पे +6 ऑक्सीजन स्टेट है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना है, तो 1 तो 4s से हो गया और 5 यहाँ से हो गया, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। अब देखिए, जैसे ही 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, इसकी एनर्जी 3d से कम हो जाती है, तो ये 3d के पीछे लिखा जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तब N+L जो रूल होता है, वो प्रिंसिपल, उससे फिल करते हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं 3d में, फिर होते हैं 4s में, ठीक है। तो ये 4s है, इसके पीछे आ जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो गई यहाँ पे। अब देखिए, 4s और ये 3d, तो 4s एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये एक एस ऑर्बिटल और तीन डी के ऑर्बिटल मिक्सिंग करके sd3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि sd3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होता है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। अब आपको याद रखना है, ये d3s हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा इसमें, ये गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन में d3s है, sd3 है, sp3 है, या फिर p3 दिया हुआ है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, K2Cr2O7 में sd3। क्यों? क्योंकि एस जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए वो 3d से पीछे लिखा जाता है, तो ये sd3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसमें, ठीक है। sd3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। अब देखिए, इसमें जो ये d3 है, ये कौन से d ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं इसमें, हमें पता है 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx2 -y2 और dz2। तो ये जो d3 है, इनमें तीन d ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, वो है dxy, dyz और dzx। IIT जैम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से डी ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, उन्होंने पूछा था कि स्क्वायर प्लेनर में कौन सा डी ऑर्बिटल यूज होते हैं और ट्रिगोनल बाइपिरामिडल में कौन से डी ऑर्बिटल यूज होते हैं। तो ट्रिगोनल बाइपिरामिडल में TBP में यूज होता है dz2, और स्क्वायर प्लेनर में यूज होता है dx2 -y2, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि K2Cr2O7 में जो डी ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं मिक्सिंग के लिए हाइब्रिडाइजेशन में, वो कौन से डी ऑर्बिटल है, तो वो है dxy, dyz और dzx, ठीक है। चलिए अब देखते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री होती है, प्लेनर होता है, इनमें जो ये एंगल होता है 90 डिग्री, डेफिनेट एंगल है, ये भी 90, ये भी 90 है, ये भी 90, और ये जो एंगल होता है ये टोटल हो गया 180 डिग्री का, ठीक है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गया। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, वो हम आगे देखेंगे जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। तो पहला एग्जाम्पल है मेरे पास निकल Cn4 2-। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 4, देखते समझ जाएंगे कि दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो फिर निकालेंगे ऑक्सीजन स्टेट, साइनर पे कितना चार्ज होता है, -1, एक्स -4, टोटल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना हो गया, -2, एक्स इज इक्वल टू आ गया +2। तो निकल ग्राउंड स्टेट में हो गया 3d8 4s2, और +2 चार्ज में हो गया 3d8, ठीक है, 3d4s4p। डी में 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए मैंने। अब देखेंगे कि लिगेंड कैसा है, सीएन कैसा है, साइनाइड आयन होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करवा देता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा तो ये ऑर्बिटल वेकेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
एक डी का ऑर्बिटल, एक एस का ऑर्बिटल और दो पी के ऑर्बिटल मिक्सिंग करके DSP2 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करेंगे। तो जब भी DSP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो निकल CN4 2 माइनस की ज्योमेट्री क्या हो गई? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गई। अब देखेंगे इसमें ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 तो डायमैग्नेटिक हो गए और DSP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है टेट्राएमीन कॉपर। अब देखिए ये ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टोर्शन, ये आएगा यहाँ पे, ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टोर्शन इट हैज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री एंड SP2D हाइब्रिडाइजेशन। अब आप कहोगे सर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का तो हाइब्रिडाइजेशन DSP2 होता है, बट यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है हमारा SP2D। ये क्यों होता है? क्योंकि जॉन टेलर डिस्टोर्शन के कारण। वो जब हम जॉन टेलर डिस्टोर्शन पढ़ेंगे आगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अभी आपको बस याद रखना है कि ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टोर्शन इट हैज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री और SP2D हाइब्रिडाइजेशन है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। IIT JEE 2015 में क्या क्वेश्चन आया? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है हमें, उसका है 2.8 बोर मैग्नेट्रॉन दिया हुआ है, सो द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ये NIT में क्वेश्चन था। ठीक है, तो जब भी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हों मैंने बताया था कि कैटायन को अलग कर लीजिए और एनायन को अलग कर लीजिए, तो 84 टेट्राइथाइल अमोनियम दिया हुआ है, तो ये 2 हो गया, इस पे कितना हो गया? 2+ चार्ज आ जाएगा, और NaCl4 इस पे क्या आ जाएगा? 2- चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब मैंने अलग अलग किया तो ये आ गया मेरे पास कॉम्प्लेक्स NaCl4 2-। कोऑर्डिनेशन नंबर देखें कितना है? 4, तो या तो स्क्वायर प्लेनर होगा या फिर टेट्राहेड्रल होगा। फिर निकालें ऑक्सीजन स्टेट, X-4 = -2, X = +2, निकल हो गया 3D8 4S2, +2 में क्या हो जाएगा? 3D8। ठीक है, अब देखिए क्लोरीन कैसा है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? पेयरिंग नहीं होती है, पेयरिंग नहीं होगी तो एक भी डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं रहेगा, इसमें क्या होगा? एक एस का ऑर्बिटल और 3 पी के ऑर्बिटल मिक्सिंग करके SP3 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। SP3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया? ये टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? N = आ गया 2, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 2। तो यही हमें बस NIT में बताना था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सो देयर आर टू नंबर ऑफ, देयर आर टू अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट, देयर आर टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिया हुआ है 2.8 बार मैग्नेट्रॉन, तो मैंने आपको बताया था जब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? 2.8 बार मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो हम डायरेक्टली भी इसे बता सकते थे कि अभी जैसे मैंने बताया था आपको कि जब भी 2.8 मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? 2। तो फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करने से, याद रखने से सॉल्व हो जाएगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2। ठीक है, अब देखिए IIT JEE 16 में क्या क्वेश्चन आया? द कॉम्प्लेक्स है, दो कॉम्प्लेक्स हमें गिवन है, प्लेटिनम का और एक निकल का, द रेस्पेक्टिवली आर पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, तो हमें बताना है कि कैसे कॉम्प्लेक्स चाहिए। तो प्लेटिनम CN4 2-। अब हमें पता होना चाहिए कि प्लेटिनम किस ग्रुप में आता है और कौन से एलिमेंट के नीचे आता है, तो ये आता है निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। ये क्या है? 5D सीरीज का है। ठीक है, तो ये 5D8 6S2। ठीक है, ये 5D हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 6S2। तो प्लेटिनम CN4 2- है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे मेटल की, X-4 = -2, X = हो जाएगा +2। प्लेटिनम 0 में क्या होता है? 5D8 6S2। प्लेटिनम +2 में क्या हो जाएगा? 5D8। यानी डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए। अब देखिए CN- कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है? पेयरिंग करवाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर अप होकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक डी ऑर्बिटल हमें वैकेंट मिल गया, तो ये DSP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसमें। ठीक है, DSP2 हो गया, तो ये क्या हो गया? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो N = 0, दैट इज व्हाई μ = 0। μ = 0 होते ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया? डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो गया। अब देखिए डायमैग्नेटिक कहाँ कहाँ पे है? बी में है और डी में है, तो ए और सी तो एलिमिनेट हो गए, ये भी गया और ये भी गया, तो बी और डी में कोई आंसर हो सकता है। अब दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया हो NaCl4 2-, तो NaCl4 2- क्या होगा? अभी हमने देखा था कि NaCl4 2- अभी हमने निकाला था कि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया, तो बी तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि डायमैग्नेटिक दिया हुआ इसमें, और इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था इसमें, तो हमें बताना था कि ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस कैसे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी।
ठीक है।